हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टॉपिक दिया हुआ है वाज एंड वर्क। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाज कहाँ लगाना है। वाज हमें लगाना है आई के साथ, ही सी और इट के साथ। मतलब वाज लगेगा आई ही सी और इट के साथ। और वर्क कहाँ लगाना है हमें? वर्क लगाना है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। तो आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, और यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर। तो समझ लिया आपने? तो चलिए सोल्व करते हैं आज इंग्लिश की वर्कशीट। तो इस वीक 8 की जो वर्कशीट है, इसमें हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज और वर। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। मतलब जो खाली स्थान है उसमें आपको छाँट कर वाज या वर भरना है, और सही आंसर को अपनी कॉपी में लिखना है, और आप जो जवाब है वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला आपके सामने दिया हुआ है आई वॉज रनिंग, तो यहाँ पर वॉज दिया हुआ है क्योंकि आई के साथ वॉज आएगा। सेकेंड में हमें क्या भरना है? सेकेंड में है सी डैश स्लीपिंग इन हर रूम, तो शी के साथ वॉज आता है, शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम। थर्ड में द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है बच्चों? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो चिल्ड्रन वर स्विमिंग, बच्चे तैर रहे थे। फोर्थ है ही डैश वर्किंग हार्ड, ही के साथ बताया था कि वॉज आएगा, तो ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत कर रहा था। दीज डैश माई बेस्ट पेयर ऑफ जीन्स, दीज मतलब प्लूरल, तो दीज के साथ क्या आना है? वर। दीज वर माई बेस्ट पेयर ऑफ जीन्स, यस मेरी सबसे अच्छी पैंट थी, मेरी सबसे अच्छी जीन्स थी। छठा इसमें दिया हुआ है माई ग्रैंड मदर डैश अ नर्स, माई ग्रैंड मदर, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर, तो माई ग्रैंड मदर वॉज अ नर्स। तो क्वेश्चन टू करते हैं। चलिए क्वेश्चन टू में लिखा है चूज एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और द रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो इसमें भी हमें छाँट कर करना है, सर्कल लगाना है, गोला लगाना है जो सही शब्द है। ही के साथ क्या आएगा आपको पता है? वॉज आएगा, वॉज लगाएंगे, वॉज पर गोला कर दिया। सेकंड में दे वर आएगा, वर के को गोला कर दिया। थर्ड में यू, यू से क्या पहले, यू के बाद क्या आना है? वर, तो यहाँ पर वर पे गोला लगाएंगे, वर यू हैप्पी टू सी हर। फोर्थ में द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ पता है कि प्लूरल है, वर आएगा, तो इसमें वर पर गोला लगा देंगे, बन जाएगा द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। पांचवा द कार, कार सिंगुलर है, वॉज पे गोला लगाएंगे तो बन जाएगा द कार वॉज वेरी एक्सपेंसिव। छठा है आई, आई के साथ क्या बताया था? वॉज आएगा, तो यहाँ वॉज पे गोला लगाएंगे और बन जाएगा आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। सेवन्थ में द केक, केक सिंगुलर है, वॉज पर गोला लगाएंगे तो बन जाएगा द केक वॉज फॉर हर बर्थडे। एट्थ पर हम द लेडीज, प्लूरल है, लेडी नहीं है, लेडीज़ है, तो लेडीज़ है तो वर पे गोला लगाएंगे, ये बन जाएगा द लेडीज वर डांसिंग एट द पार्टी। नाइन्थ ऑल द क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स भी क्या प्लूरल है, जो मोमी कलर होते हैं उनको क्रेयॉन्स बोलते हैं। ऑल द क्रेयॉन्स तो वर पर गोला लगाएंगे, बन जाएगा ऑल द क्रेयॉन्स वर इन द रेड बॉक्स, जितने भी मॉमी कलर थे सब किस में थे? लाल बॉक्स में थे। टेंथ में हम करेंगे ही, ही के साथ पता है आपको वॉज आना है, तो ही वॉज अ ब्रिलियंट डॉक्टर। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे इसमें अब क्वेश्चन 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है? चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू पास्ट टेंस एंड री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पास्ट टेंस, मतलब वाज या वर लगाकर पास्ट टेंस में बनाना है, और उसको दोबारा
अपनी नोटबुक में लिखना है या आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी अपने स्कूल के ग्रुप में भेज सकते हैं। तो इसमें पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें लिखा है राम एंड राकेश आर जो है प्रेजेंट टेंस में है, अंडरलाइन क्या हुआ है आर टायर्ड। तो इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो आर का वर हो जाएगा, एस का वाज हो जाता है। तो राम एंड राकेश वर टायर्ड हो गया, राम और राकेश क्या थे, थके हुए थे। सेकंड है शी इज इन द पार्क, इसका किस में चेंज हो जाएगा वाज में, तो कर देंगे शी वॉज इन द पार्क। इसी तरह थर्ड यू आर लेट फॉर स्कूल, आर किस में चेंज होता है वर में, तो हम कर देंगे यू वर लेट फॉर स्कूल। फोर्थ है आई एम थर्स्टी, तो आई के साथ क्या आता है वॉज, आई वॉज थर्स्टी। फिफ्थ है वी आर एट द सिनेमा हॉल, वी आर एट द सिनेमा हॉल, तो वी के साथ क्या आता है आर किस में चेंज हो जाएगा वर में, तो बन जाएगा वी वर एट द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज और वर टू कंप्लीट द स्टोरी, राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बीच बीच में खाली स्थान है, उन खाली स्थान में हमें वॉज या वर लगाना है तो स्टोरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक बात बता दूँ, स्टोरी कोई भी होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम देयर डैश है तो देयर वॉज नहीं आएगा क्योंकि फोर काउज दिया हुआ है, तो क्या आएगा देयर वर फोर काउज इन द फॉरेस्ट, तो कहाँ पर क्या आ जाएगा इस डैश में वर, दे प्लूरल चल रहा है, वर वेरी गुड फ्रेंड्स वो क्या थी बहुत अच्छी मित्र थी। वन डे अ लॉयन सॉ द काउज ग्रेजिंग टुगेदर, तो लॉयन क्या है सिंगुलर, फिर दोबारा लॉयन आ रहा है द लॉयन डैश, तो लॉयन सिंगुलर तो क्या आएगा वॉज, लॉयन वॉज हंग्री, लॉयन क्या था हंग्री था। ही ट्राइड टू कैच द काउज when the cows saw the lion they fought with the lion together, the lion ran away, the cows फिर cows आ गया plural है तो क्या आ जाएगा were आएगा, the cows were happy। इसमें आगे बताते हैं after a few days cows fought with each other, कुछ दिनों के बाद जो गाय थी वो आपस में लड़ने लगी। दे के साथ प्लूरल है तो क्या आएगा वर, दे वर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर अब वे मित्र नहीं थी। दे डू नॉट ग्रेज टुगेदर वे एक साथ चरने नहीं जाती थी। वन डे एक दिन अ काउ सिंगुलर है अ काउ एक काउ है अ काउ इसके एक काउ के साथ क्या आएगा वॉज, अ काउ वॉज ग्रेजिंग अलोन एक गाय क्या अकेली चरने गई। द लॉयन किल्ड हर एंड ऑल द अदर काउज वन बाय वन तो लॉयन ने क्या किया उसको मार दिया और धीरे धीरे करके एक एक करके सारी गाय मार दी गई। तो इस स्टोरी की जो मॉरल है वो है यूनिटी इज स्ट्रेंथ एकता में बल है। इसी प्रकार लास्ट में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कि कहा हुआ है ईद मुबारक, जैसे कि आप सब जानते हैं दैट ईद इज अबाउट टू कम ईद आने वाली है, तो इसी के लिए आगे हम इसमें सॉल्व वर्कशीट भी ऐड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।